जी व्यूअर्स, अक्सर लोग मुझे कहते हैं टोरंटो के मौसम के बारे में, तो मैंने कहा कि मौसम भी दिखा दिया जाए। अभी मैंने एक वीडियो बनाई है हाउ टू रेंट द हाउस एंड हाउ टू बाय द हाउस। तो रात सारी बारिश हुई है यहाँ पर, तो मैं इसके साथ कनेक्ट कर दूँगा। और मैं दिखाना चाह रहा था कि ग्रीनरी जो है अब ये ख़त्म होने पर है, क्योंकि एक महीने बाद जो है वो आ जाएगा। ये मैंने शेड बनाया था, जिस तरह मैंने इसकी वीडियो भी बनाई थी, या परगला कह लें या जो भी कह लें, तब इसके ऊपर मैंने छत डाल दी है, तो आप देख सकते हैं हरियाली जो है अपने जोबन पे है। तो मैं ये जो मैंने रेंटल की जो वीडियो बनाई है, मैं उसके साथ इसको अटैच कर दूंगा। तो चलें, मैंने कहा आपको हरियाली दिखानी थी, क्योंकि वहाँ लेटा लेटा वीडियो बना रहा था मैं, वो अभी आप देखेंगे, तो मैं दिखा नहीं पाया। और ये मैंने जो बेलें चढ़ाई हैं आप देख सकते हैं, इसके अंदर मैंने सारी बेल चढ़ा दी है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज इन द विंटर। चले व्यूअर्स, मैं उस वीडियो को इसके साथ अटैच करता हूँ। जी व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। 26 तारीख है, सुबह का टाइम है, सारी रात बारिश हुई है, 18 डिग्री टेम्परेचर है। अच्छा, मेरे पास काफ़ी कमेंट्स, आई मीन क्वेश्चंस आए हैं कि भाई हम लोग इमिग्रेंट होने वाले हैं और हमारे लिए एकोमोडेशन का इंतज़ाम करते हैं। मैं नाम नहीं ले पाऊँगा क्योंकि इस वक्त मेरे पास वो नहीं है, क्योंकि मैं आईफोन से ही बना रहा हूँ वीडियो। तो कि हम अक्टूबर में आ रहे हैं, हम जनवरी में आ रहे हैं, और इस तरह हमारे लिए मकान का इंतज़ाम कर दें या एकोमोडेशन का इंतज़ाम कर दें। तो इस सिलसिले में व्यूअर्स, मैं एक ही बात कहूँगा कि देखें, पहली बात तो यह है कि चले आप कह रहे हैं कि मुझे दो कमरों का या तीन कमरों का, या मेरे इतने बच्चे हैं और इस तरह है, तो पहली बात तो यह है इस सिलसिले में, मैं भूल गया, हाँ, मकान के लिए। तो लैंडलॉर्ड्स जो है यहाँ पर न्यू इमिग्रेंट्स के मामले में काफ़ी रिलक्टेंट होते हैं, क्योंकि कोई क्रेडिट स्कोर नहीं होता है, कोई जॉब लेटर नहीं होता है, तो उसकी वजह से मकान हासिल करना या एकोमोडेशन का अरेंज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मेरी इस सिलसिले में, या अच्छा हाँ, और कोई एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हमें मकान ख़रीदना है। मैं हाथ चेंज कर लूँ, क्योंकि हाथ में ये राइट साइड के हाथ में थोड़ा सा, एक्सक्यूज़ मी, हाथ में थोड़ा सा दर्द होता है, फ्रोजन शोल्डर वगैरह हो गया, व्हाटएवर। तो दो बातें हैं, या तो एकोमोडेशन उनको चाहिए रेंटल, या वो मकान ख़रीदना चाहते हैं। तो न्यू इमिग्रेंट के लिए ये दोनों बातें जो है ना, काफ़ी जिसे कहते हैं कि चैलेंजिंग होती है। अगर आपका कोई जानने वाला है, आपका कोई रिश्तेदार है, तो बहुत आसानी है, आप महीना, दो वीक, तीन वीक जो है उनके पास रह लें, और इस दौरान में आपका किसी बेसमेंट वगैरह का, या आपकी गुंजाइश के हिसाब से आपका इसका इंतज़ाम हो सकता है। और उसका तीसरा हल ये है कि आप एयरबीएनबी पे चले जाएं, शुरू में एक वीक, दो वीक, तीन वीक, यकीनी बात है एयरबीएनबी $50-200 पर नाइट के हिसाब से कॉस्ट करता है आपको, और फिर आप लुक ढूंढे। अच्छा, कोई आपकी एब्सेंस में आपके लिए अरेंज करे, तो वो एक बड़ा ही मुश्किल काम है। मुश्किल काम इस सेंस में है कि डिपॉजिट का मामला आ जाता है, लैंडलॉर्ड को कमिटमेंट चाहिए होती है इन द फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ डिपॉजिट। आप तो नहीं है, तो कैसे किया जा सकता है इसके लिए? मैं तो किसी से ना तो एक्सपेक्ट करता हूँ, ना मैं किसी से कहूँ कि भाई आप मेरे अकाउंट में इतना पैसा डालें, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। ना किसी को मेरे पे इस बात पे ट्रस्ट करना चाहिए, अपने मुंह में मिट्ठू वाली बात है, मैं अपनी आनेस्टी की गवाही नहीं दूँगा, लेकिन कोई कहीं भी किसी तरह से भी इस तरह की डिपॉज़िट नहीं करता है, तो वो बिल्कुल ही नामुमकिनात में से है। तो उसका फिर क्या हल किया जा सकता है? जिस तरह मैंने बताया, एयरबीएनबी पे जाएंगे आप, और उसके बाद आप ढूंढेंगे। हाँ, मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि आप इस दौरान में आपके लिए डिफरेंट जगहों पे
अगर मेरा आपसे कांटेक्ट होता है तो पहली बात तो ये आपका चॉइस देखना होता है, आपके बच्चों के स्कूल है उस रेफरेंस से। और चलें अगर मैं पता भी कर लूँ, ग्रोसरी स्टोर पे इसके वो लगे हुए होते हैं, बुलेटिन बोर्ड्स पे लगे होते हैं इधर उधर, उसके बेस्ट ये है कि आप अपने तौर पे किजीजी पे जाएं, किजीजी, आप उस पे जाके उसमें डालें, सिटी डालें, मिसागर डालें, टोरंटो डालें, एटीबीको डालें, या जिस एरिया में आप चाहते हैं, क्योंकि आपने अच्छा खासा, जहाँ तक आपने इमिग्रेशन ली है तो आपने होमवर्क भी अच्छा खासा किया होगा। तो एक तो ये है, दूसरा ये है मकान ख़रीदने के लिए। एक क्वेश्चन ये आता है कि जी हमें इस जगह पे मकान ख़रीदना है और हम 10% डाउन करेंगे, तो मेरे भाई ये बड़ा ही मुश्किल सवाल है। मुश्किल सवाल इस सेंस में है कि कौन बैंक जो है आपको 90%, अगर आप 10% डाउन करना चाहते हैं तो कौन सा बैंक है जो आपको 90% लोन देगा। आपके पास जॉब नहीं है, 10% के ऊपर तो यहाँ के लोकल लोगों को नहीं मिलता है, फर्स्ट टाइम होम बायर्स को मिल जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि उनकी जॉब कितनी सिक्योर है और उनका क्रेडिट स्कोर क्या है। यार चाय का सिप ले लें, गले गला खुश हो रहा है। तो वो भी नामुमकिनात में से है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने कहा जी मैं 10% डाउन दूंगा और मकान मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। अच्छा, कुछ कहते हैं कि जी मैं 30%, 35%, 40%, 50% डाउन करूंगा, तो उसके लिए मुझे मकान ढूंढ के रखे। तो देखें, मकान तो किजीजी पे, किजीजी कह रहा हूँ, MLS पे चल जाएं, realtor.ca पे चले जाएं, यकीनी बात है इन्वेंट्री वहाँ पर है, लेकिन आप कोई, इट्स नॉट यू आर बाइंग समथिंग सिटिंग ओवरसीज, आपको यहाँ पर रहना है, आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं ले रहे हैं, आप रहने के लिए आ रहे हैं, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से मकान को देखेंगे, पसंद करेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे ना। और आप कहते हैं कि जी मैं 50% डाउन करूँगा, यस 50% डाउन करेंगे तो हो सकता है कि सर्टन कंडीशंस के अंदर हो जाए, या 35% 40% पे कुछ बैंक जो है नो पेपर एस के ऊपर हो जाता है, वो भी मुझे रिसेंटली पता लगा है कि अगर आप क्या नाम है इतनी रकम डाउन कर रहे हैं तो शायद हो जाए, लेकिन 10% 15% या 5% पे फर्स्ट टाइम होम बायर का जो है ऐसा होना मुश्किल है। मैं हमेशा एक लफ्ज़ पे बिलीव करता हूँ कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, मुमकिनात हर जगह होती हैं, एवरीथिंग इज़ एनीथिंग कुड बी पॉसिबल। तो ये है, तो दो बातें हो गई मैंने जो की, लेट मी सम अप, इसको क्लोज करता हूँ मैं, क्योंकि 6 मिनट की वीडियो हो गई है, कि किराए के लिए आप आए Airbnb पे आएँ और उसके बाद आगे हंटिंग शुरू करें। मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन नहीं है। और इस तरह कहना कि पहले से मकान देख के रखें, तो डाउन उसको के आपके मकान को बुक करने के लिए एक कमिटमेंट चाहिए होती है लैंडलॉर्ड के पास। तो एक बात तो ये हो गई, दूसरा ही मकान ख़रीदने के लिए मैं, अच्छा एक बात और भी है कि आप आते साथ ही मकान मैं किसी को भी ख़रीदने के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ। कई लोग इस तरह की सोच लेके आते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है, मुमकिन इस सेंस में नहीं है, अनलेस आप कैश पे बाय करते हैं, आप कहते आते हैं कहते हैं मुझे ये उठा लेना है, ऐसा कहना कि वह फंस जाएंगे, मिसागा में या टोरंटो के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी को लेके आप फंसते नहीं हैं, यहाँ मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है, बिल्कुल आप निकल जाएंगे बाद में अगर आपको जगह पसंद नहीं आती, आपको मूव करना है, कहीं और जाना है। लेकिन बेहतर यही है कि आप आए जिस तरह सारी दुनिया आती है, एक अगर आपका कोई रिश्तेदार है तो आप उसके पास आएंगे, नहीं तो Airbnb पे आएँ, उसके बाद आप हंटिंग करें किराए की, और 1 साल 1.5 साल रहे, उसके बाद आप ख़रीदने वगैरह के प्रोसेस पे जाएं। तो ये है, मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, रात बारिश हुई, 18 डिग्री टेम्परेचर है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने नया शेड बनाया था, बहुत ही क्या नाम है, मैं आपको हरियाली तो नहीं दिखा सकता यहाँ लेटे हुए, तो बहुत ही अच्छा माहौल हो रहा था, तो मैंने कहा चले यहीं लेटे लेटे जो है एक वीडियो बनाई जाए, देखें ये कैसी आती है। चले मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़, आई होप यू विल लाइक द वीडियो, शेयर करें, लाइक करें।